बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। देखिए हेडिंग भी यही पड़ी हुई है, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर में हम लोग डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, हम लोग उसकी जो वर्किंग अप्रोच कंसेप्ट जिससे हम सवाल निकाल लें उस पर हम फोकस करेंगे। देखिए जैसे ये एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक, ये चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हो गया, ठीक। और मैंने बोला कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है तो जो भी चार्ज होगा वो उसके सरफेस पे होगा, ठीक। ये हो गया इसका सेंटर, ये हो गई रेडियस r। तो आपको समझना है किसी भी चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल के क्यू अपॉन कैपिटल r होता है। कितना होता है? के क्यू अपॉन कैपिटल r। और अब इसी में कंसेप्ट याद करना है कि कोई भी चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर अपने सरफेस के बराबर पोटेंशियल अंदर के हर पॉइंट पर डेवलप करता है, अंदर के हर पॉइंट पर डेवलप करता है। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया समझे? कोई भी चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर अपने सरफेस के बराबर पोटेंशियल अंदर के हर पॉइंट पर डेवलप करता है। मतलब चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर पे ना अंदर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहता है, और वो भी किसके बराबर होता है? सरफेस के पोटेंशियल के बराबर। मतलब कोई भी चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर अपने सरफेस के बराबर पोटेंशियल अंदर के हर पॉइंट पर डेवलप करता है। यहाँ सरफेस पे पोटेंशियल हमने कितना माना है? वी एस। तो इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल वी एस ही होगा, अंदर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल वी एस होगा। मतलब अंदर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा। मान लीजिए मैंने अंदर पे कोई डिस्टेंस आर डैश ले ली और तुमसे अंदर के पॉइंट पर पोटेंशियल पूछा जाए तो वो सरफेस के पोटेंशियल के बराबर ही होगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। और आपसे आउटर पॉइंट पर पोटेंशियल पूछे तो आउटर पॉइंट पे पोटेंशियल के लिए सेंटर से गैप लेंगे। क्या लेंगे? सेंटर से गैप, के क्यू अपॉन स्मॉल आर। तो सबसे बड़ा कंसेप्ट जो हम लोगों ने सीखा, कोई भी चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर अपने सरफेस के बराबर पोटेंशियल अंदर के हर पॉइंट पर डेवलप करता है। मतलब अंदर के हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा। मतलब बहुत सिंप्लीफाई करके हम यदि इसको रिलेट करें और सिंपल भाषा में, तो सीधे सीधे तुम्हें पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि क्या हो सकता है। ये चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ये इसकी रेडियस आर, ये हो गया चार्ज और इस पे चार्ज की वैल्यू हो गई क्यू। अब तुमसे कोई पूछे, समझे, कोई पूछे कि भैया अंदर के पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, तो अंदर के पॉइंट पे पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल वाला ही होगा, कितना? के क्यू अपॉन आर। कोई तुमसे पूछे सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, तो सेंटर पे भी पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल के बराबर ही होगा, मतलब के क्यू अपॉन कैपिटल आर। समझ पा रहे हो? कोई भी चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर अपने सरफेस के बराबर पोटेंशियल ही डेवलप करता है, और सरफेस पे पोटेंशियल के क्यू अपॉन कैपिटल आर। और आपको आउटर पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए, तब आपके लिए हो जाएगा के क्यू अपॉन स्मॉल आर, सेंटर से गैप। मतलब आप समझ पा रहे हैं? मतलब कोई भी चार्ज स्फीयर है अंदर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? एक जैसा है, और किसके बराबर है? सरफेस के पोटेंशियल के बराबर। सरफेस के पोटेंशियल के बाद वो वन अपॉन के क्यू अपॉन आर के हिसाब से वेरी करता है। मतलब यदि हम ग्राफ बनाना चाहें तो ये हो जाएगा पोटेंशियल, ये हो जाएगा डिस्टेंस, सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल एक जैसा, किसके बराबर? सरफेस के बराबर। और उसके बाद मान लो सरफेस तक पोटेंशियल सेम, और फिर उसके बाद ये वन अपॉन आर के हिसाब से घटेगा। अंदर के किसी भी पॉइंट पे, आर लेस देन आर, अंदर के किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो सरफेस के पोटेंशियल के बराबर। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। मतलब कोई भी चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर अपने सरफेस के बराबर पोटेंशियल अंदर के हर पॉइंट पर डेवलप करता है, चाहे वो अंदर का पॉइंट हो या इवन द सेंटर हो। इसको और बढ़िया से हम लोग समझते, देखिए क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दो सरफेस हो, मान लीजिए दो चार्ज सरफेस हो, तो हर कोई पोटेंशियल बनाएगा, तो सबके कारण हमें डिस्कस करना पड़ेगा।
समझिए, यदि मान लीजिए दो सरफेस हो तो दोनों पोटेंशियल बनाएंगे तो दोनों का असर देखना पड़ेगा। ये देखिए, मान लीजिए दो स्फीयर हैं, दो चार्ज स्फीयर हैं और इसकी रेडियस है r1, इसकी रेडियस है r2। ये हो गया सेंटर, इसका नाम हो गया a, इसका नाम हो गया b, यहाँ पे चार्ज हो गया q1, यहाँ पे चार्ज हो गया q2, ठीक। अब आपसे यदि पूछे पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट सेंटर O, ठीक, पोटेंशियल एट सेंटर O, आपसे O पर पोटेंशियल पूछ रहा है, तो यहां पर दो लोग, भाई देखो ये भी चार्ज स्फीयर है, ये भी चार्ज स्फीयर है, दोनों पोटेंशियल बनाएंगे, पहला वाला भी बनाएगा, दूसरा वाला भी बनाएगा। पहला वाला जो पोटेंशियल बनाएगा, जो, अच्छा एक चीज और, क्या भी क्या पढ़ा, जो इसके सरफेस पे बनेगा वही तो अंदर बनेगा, जो पोटेंशियल इसके सरफेस पे बनेगा वही पोटेंशियल अंदर बनेगा, जो पोटेंशियल ये अपने सरफेस पे बनाएगा वही पोटेंशियल ये अंदर बनाएगा। तो यहाँ दोनों का असर होगा, ए का भी और बी का भी, और कोई भी चार्ज बॉडी अपने सरफेस के बराबर पोटेंशियल बनाती, कहाँ पर, सरफेस के बराबर, जितना उसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही वो अंदर बनाएगी, ठीक। तो पहले वाले के कारण पोटेंशियल बनेगा के क्यू वन अपॉन आर वन, जो इसके सरफेस पे होगा वही इसके अंदर होगा। अच्छा, साथ ही साथ बाहर वाले का भी असर आएगा, यहाँ बी भी तो पोटेंशियल बनाएगा, और बी कितना पोटेंशियल बनाएगा, जो इसके सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल ये अंदर देगा। तो इसके सरफेस वाला पोटेंशियल लिखो तो जाएगा के क्यू टू अपॉन आर टू, ये आपका नेट पोटेंशियल एट सेंटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी चार्ज स्फीयर, आपको ये सीखना है कि कोई भी चार्ज स्फीयर अपने सरफेस पे भी पोटेंशियल बनाता है, अंदर भी बनाता है, बाहर भी बनाता है, और अंदर जो पोटेंशियल बनाता है वो अपने सरफेस के पोटेंशियल के बराबर बनाता है। तो हमें यहाँ पर टोटल पोटेंशियल निकालना था, यहाँ दो लोगों का पोटेंशियल होगा, किसका किसका, ए का और बी का, तो ए भी पोटेंशियल बनाएगा, बी भी पोटेंशियल बनाएगा, वी ए प्लस वी बी, ए के पोटेंशियल के लिए, लेकिन ए पर जो इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही आपको अंदर मिलेगा, के क्यू वन अपॉन आर वन, जो इसके सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल अंदर मिलेगा, क्योंकि कोई भी चार्ज स्फीयर अपने सरफेस के बराबर पोटेंशियल अंदर बनाता है। तो यहाँ से हम लोगों ने नेट पोटेंशियल निकाल लिया। चलो इसको और अच्छा करते, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, साइन के साथ लिया जाता है। चलो इसको और अच्छा सवाल बनाते हैं और आप इसको रिलेट करिए, ठीक है। मान लीजिए तो दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए थे, मान लो एक पॉजिटिव ले ले और एक नेगेटिव, तो क्या होगा, ये देखो, ये हमने दो स्फीयर ले लिए, इसकी रेडियस हो गई ए, इसकी रेडियस हो गई बी, और इस पे चार्ज हो गया प्लस क्यू, ठीक, और इस पर चार्ज हो गया माइनस क्यू, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, और अब मैं आपसे जो पोटेंशियल जानना चाहता हूँ, अब थोड़ा स्टाइलिस्ट है, अब मैं आपसे पोटेंशियल पॉइंट पी पर जानना चाहता हूँ या सरफेस पर जानना चाहता हूँ, वो भी आउटर वाले के, इसका नाम ए हो गया, इसका नाम बी हो गया, आपको चाहिए पोटेंशियल, वो भी बी के कहाँ पर, बी के सरफेस पर, तो बी के सरफेस पर पोटेंशियल हमें निकालना है। अब देखो इस बी पर, क्या अकेला बी वाला ही सरफेस है, नहीं, बी के साथ एक सरफेस और है, कौन, ए, मतलब इस जगह पर दो लोग पोटेंशियल बनाएंगे, कौन, एक तो बी बनाएगा और साथ साथ ही जो अंदर चार्ज रखा है वो भी तो पोटेंशियल बनाएगा, तो यहाँ दो लोगों का पोटेंशियल होगा, एक तो खुद बी के कारण होगा और दूसरा किसके कारण होगा, ए के कारण होगा। बात समझ पा रहे, यदि ये मैं डायग्राम ऐसा बनाता, खाली एक स्फीयर लेता, तब तो कोई दिक्कत वाली बात थी ही नहीं, लेकिन यहाँ पर दो स्फीयर है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो स्फीयर हैं, एक कौन है, बी, और एक कौन है, ए, दो स्फीयर हैं बी और ए, तो यहाँ पर बी भी पोटेंशियल बनाएगा और ए का भी तो असर इस पर आएगा। तो जब हमें बी के सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है तो दोनों का असर देखना पड़ेगा, बी का भी और अंदर वाले का। चलो पहले बी वाला देखते हैं, बी के तो सरफेस पे चाहिए तुम्हें, तो बी के सरफेस पे सरफेस वाला फॉर्मूला लगाओ। अच्छा, चार्ज कैसा है, माइनस, तो हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन रेडियस कितनी, बी, ये हो गया बी का पोटेंशियल। अब बात करते हैं ए, ए का भी तो असर इसके ऊपर आएगा, यहाँ पर दो लोग पोटेंशियल बनाएंगे, एक खुद बी वाला बनाएगा और ए वाला बनाएगा। अब ए के लिए ये पॉइंट कौन सा, ए तो बेचारा यहीं तक है, ए के लिए कौन सा पॉइंट है, आउटर पॉइंट, क्या है,
आउटर पॉइंट, आउटर पॉइंट करंट पोटेंशियल के क्यू अपॉन सेंटर से गैप, के क्यू अपॉन सेंटर से गैप। चार्ज तो तुम ए वाले का ही लोगे, लेकिन गैप कहां से लोगे? सेंटर से। सेंटर से गैप कितना हो जाएगा? बी। ठीक, तो ये आपका, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका नेट पोटेंशियल एट सरफेस पे क्या आ गया? जीरो। ये बहुत गजब का सवाल है, ठीक है। तो यहां पे बी के सरफेस पे आपका नेट पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। ए पर प्लस क्यू चार्ज है, बी पर माइनस क्यू चार्ज है, और बी पर नेट पोटेंशियल पूछ रहा है। आप समझ रहे हैं, बी के सरफेस पे हमने नेट पोटेंशियल जीरो दिखा दिया, और आपको दूर से देखने लगेगा भाई बी पे तो नेगेटिव चार्ज है, ये है, लेकिन जो अंदर पॉजिटिव चार्ज रखा है उसका पोटेंशियल भी मिलेगा। और आउटर पॉइंट के पोटेंशियल का फॉर्मूला सभी लोग जानते हो, के क्यू अपॉन स्मॉल आर, स्मॉल आर कहाँ? सेंटर से गैप। ठीक है, इसको हम और अच्छा आपको एक बार रिलेट कराते हैं। देखिए, पहले आप इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से तैयार करिए, तब तो आप मल्टीपल स्फीयर के केस में पोटेंशियल निकालना सीख पाएंगे। फिर से देखो, मैं क्या सिखाना चाहता हूँ कि कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर हो, सिंगल स्फीयर ले लो, उसकी रेडियस आर, तुमसे सरफेस पे पूछे, तब तो हो जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर, मान लो चार्ज क्यू है। अंदर के किसी पॉइंट पर पूछे तो भी सरफेस वाला पोटेंशियल ही लिख देना, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। सेंटर पे पूछे तो भी तुम सरफेस वाला फॉर्मूला ही लिख देना, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। लेकिन बाहर के पॉइंट पर पूछे तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा के क्यू अपॉन स्मॉल आर। क्या बनता है? सीख लो, अभी यूज करने जा रहा हूँ, के क्यू अपॉन स्मॉल आर। स्मॉल आर कौन? सेंटर से गैप। कुछ सोच पा रहे हो क्या बोल गया? मतलब सिंपल भाषा में, अंदर का कोई भी पॉइंट हो अप टू द सरफेस, पूरे भर में एक ही फॉर्मूला चलेगा, क्या? के क्यू अपॉन कैपिटल आर, अंदर भर के किसी पॉइंट में। लेकिन यदि तुम स्फीयर से बाहर निकल आए तो फॉर्मूला क्या लगाओ? के क्यू अपॉन स्मॉल आर। मतलब चार्ज तो इसी का लोगे, लेकिन गैप कहाँ से लोगे? सेंटर से। हो पाएगा? चलो एक मल्टीपल स्फीयर के केस में हम पोटेंशियल निकालते हैं। तो आपको कंडक्टिंग स्फीयर के केस में पोटेंशियल का अप्रोच एक हद तक क्लियर हो जाएगा। देखिए, ठीक, जैसे बहुत सिंपल सा सवाल है, ध्यान दीजिए, आपको इस तरह से दे रखा है, ठीक, यहां पर तीन स्फीयर ले लिए, अभी तो दो लेके चलते थे, तीन हो गए, ठीक है। यहां पे चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू। ये रेडियस है ए, ये रेडियस है बी, और ये रेडियस है सी। और अब आपसे ए पर, बी पर और सी पर पोटेंशियल पूछा है, ठीक। अब हम लोग निकालेंगे, ठीक। सबसे पहले निकालते हैं नेट पोटेंशियल एट ए, ठीक है। अब हमें ए पर नेट पोटेंशियल निकालना है। अब देखो ए पर, अब यही हमें सीखना है। पहले तो मेरे वर्ड याद करो, कोई भी चार्ज स्फीयर अपने अंदर भी पोटेंशियल बनाता है और अपने बाहर भी पोटेंशियल बनाता है। अंदर जो पोटेंशियल बनाता है वो सरफेस के पोटेंशियल के बराबर, यही तुम्हें सीखना है। कोई भी चार्ज स्फीयर अपने अंदर भी पोटेंशियल बनाता है, बाहर भी। अब बनाओ, ए पर तुम्हें नेट पोटेंशियल चाहिए, तुम्हें ए पर नेट पोटेंशियल चाहिए, ठीक है। ए पर तुम्हें नेट पोटेंशियल चाहिए, तो ए पर क्या केवल ए ही है यहाँ पर? यहाँ भैया केवल ए नहीं है, और भी लोग हैं। कौन कौन? बी भी है और सी भी है, ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो केवल ए का ही, केवल ए होता तो काम चल जाता, बी का भी असर इस पे आएगा और सी का भी असर आएगा। और अभी पढ़ा है, कोई भी चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर अंदर भी पोटेंशियल बनाता है, बाहर भी, अंदर अपने सरफेस के पोटेंशियल के बराबर। तो इस ए पर केवल ए का असर नहीं पड़ेगा, इस पर बी का भी असर पड़ेगा और इस पर सी का भी असर पड़ेगा, ठीक। ये नेट पोटेंशियल एट ए निकालने जा रहे हैं। तो नेट पोटेंशियल एट ए, तो पहले ए का ही असर देख ले। ए तो सरफेस पे ही है, क्या लगाओगे? के क्यू ओवर रेडियस प्लस। बी का असर अंदर कितना होगा? आज ही पढ़ा है, हर चार्ज स्फीयर अपने सरफेस के बराबर पोटेंशियल अंदर देता है, अपने सरफेस के बराबर पोटेंशियल अंदर देता है। तो सरफेस पर पोटेंशियल इसका क्या होता होगा? के क्यू अपॉन बी, वही पोटेंशियल ये अंदर देगा। हर चार्ज स्फीयर, अब तीसरा ले लो, तीसरे भी जितना पोटेंशियल इसके सरफेस पर होगा वही पोटेंशियल ये अंदर देगा। मतलब यहाँ पर तीन लोगों का असर होगा, ए का,
इसी के ऊपर बी का भी होगा, इसके ऊपर सी का भी होगा, और बी अपने सरफेस के बराबर पोटेंशियल, हर चार्ज बॉडी अपने सरफेस के बराबर पोटेंशियल अंदर देती है, तो ये अपने सरफेस पे जो पोटेंशियल बनेगा के क्यू अपॉन बी वही अंदर देगी, इसके सरफेस पे पोटेंशियल क्या बनेगा के क्यू अपॉन सी, यही पोटेंशियल ये अंदर देगी। तो ये आपका नेट पोटेंशियल एट ए आ गया, ठीक, ये आपका नेट पोटेंशियल एट ए। चलो अब नया क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आपसे नेट पोटेंशियल एट बी जानना चाहता हूं। चलो फिर वही बात होगी, यहां पर भी तीन लोगों का पोटेंशियल होगा, इस बी पर भी भैया तीन लोग, क्या अकेला बी है यहां पर, क्या अकेला बी है यहां पर, नहीं, यहां इसके अंदर ए भी है और सी भी, बाहर सी है। अच्छा इस बी की एक खास बात है, बी ए के लिए तो आउटर पॉइंट है, क्या बोल गया मैं, ए के लिए आउटर पॉइंट है, ए के बाहर है, और सी के लिए अंदर वाला स्पीयर है। तो फिलहाल पहली बात तो बी पर तीनों का असर होगा, ए का भी असर होगा, बी का भी असर होगा और सी का असर होगा। चलो पहले ए का असर देखते हैं, आपको नहीं लगता ए के लिए आउटर पॉइंट है, ए के लिए येला पॉइंट आउटर पॉइंट है, तो ए वाला आउटर पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाओ, किसी भी स्फीयर के आउटर पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला, देखो कोई भी स्फीयर है उसके आउटर पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला, कोई भी स्फीयर है, सॉरी इधर देख लो, कोई भी स्फीयर है उसके आउटर पॉइंट पर स्फीयर का फॉर्मूला के क्यू अपॉन स्मॉल आर होता है, सेंटर से पूरी डिस्टेंस लेते हैं। अब लगाओ जरा, ये जो बी पर तीन लोगों का असर होगा, ए का भी, खुद बी का भी और सी का भी, ए के कारण पोटेंशियल बनाओ, तो के क्यू अपॉन सेंटर से गैप। अब बताओ बी का सेंटर से गैप कितना होगा, बी, ये तो हो गया ए का असर। चलो अब बी की बात करूं, बी चार्ज कैसा है, नेगेटिव, ओहो यहां भी इसको नेगेटिव लेना आपको, क्योंकि बी का चार्ज यहां नेगेटिव था, ठीक है, यहां जाइए, बी का चार्ज कैसा है, नेगेटिव, बी का चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव पोटेंशियल बनाएगा, माइनस के क्यू अपॉन बी। सी का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, अच्छा हो गया सरफेस पोटेंशियल। अब सी का बात करो, सी का जो पोटेंशियल है, सी पर चार्ज कैसा है बच्चों बताओ, पॉजिटिव, और सी का असर तुम्हें यहां निकालना है, क्या इसका ये आउटर पॉइंट नहीं है, ये बी पर आपको असर निकालना है, और सी के लिए ये वाला पॉइंट कौन सा है, अंदर, तो ये जितना सरफेस पे देगा वही पोटेंशियल अंदर देगा, तो क्या देगा के क्यू अपॉन सी, ये और ये आपका कैंसिल आ जाएगा, तो पोटेंशियल आ जाएगा के क्यू अपॉन सी, ठीक। तो ये आपका पोटेंशियल एट ए हो गया, ये पोटेंशियल एट बी हो गया। मान लीजिए आपको सी पर पोटेंशियल निकालना हो, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपको सी पर पोटेंशियल निकालना है तो कैसे करेंगे, ठीक, आपको सी पर पोटेंशियल निकालना है तो पहले तो इतनी देर में ये समझ गए तीनों का असर होगा, ए का भी, बी का भी और सी का भी। अब मान लीजिए आपको सी पर पोटेंशियल निकालना है तो ए का भी असर देखेंगे, बी का असर भी देखेंगे और सी का असर देखेंगे। अब बताओ ए का असर, ए के लिए कौन सा पॉइंट है, आउटर, और आउटर पॉइंट के केस में फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज क्यू और गैप कहां से लेते हैं, सेंटर पे, पूरा सेंटर से पूरा गैप लेंगे, तो ए के कारण तुम्हें यहां असर दिखाना है, तो चार्ज क्यू और इसका सेंटर से गैप कितना, सी। बी के लिए भी ये पॉइंट आउटर है, बी के लिए भी ये पॉइंट क्या है, आउटर, तो इसका चार्ज लेंगे कितना, माइनस क्यू, लेकिन गैप अभी से सेंटर से ही लेंगे कितना, सी। अच्छा सी का खुद के कारण वो उसके अपने सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा, के क्यू अपॉन सी, तो ये और ये कैंसिल, तो आपका सी पर नेट पोटेंशियल आ जाएगा के क्यू अपॉन सी, ठीक, हो पाएगा, इस तरह से आप इसको समझिए और रिलेट करिए।